नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए शुरू करते हैं इस नए ब्लॉग की। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना प्यारा आज मौसम है। तो देख सकते हैं आप, पूरे पहाड़ियों पे आज बादल ही बादल लगे हुए हैं। और आज मैं हूँ राजगढ़ी में। आपको अब कुछ दिन तक शायद यहीं के ब्लॉग देखेंगे राजगढ़ी के। देख सकते हैं आप मौसम कितना अच्छा है। आइए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को यहीं से और देखते हैं क्या कुछ खास होता है मेरे आज के इस दिन में। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आज आप देख सकते हैं कितना कोहरा लगा हुआ है सुबह सुबह, और इतना ठंडा मौसम है आज राजगढ़ी में। सामने देख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं दिख रहा यहाँ से। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ दादा। मैं हूँ अपने स्कूल में जहाँ से मैंने अपनी 10वीं और 12वीं परीक्षा पास करी थी। तो आइए आपको भी दिखाता हूँ अपना स्कूल कि कैसा वो स्कूल था और कैसा वो अभी है। तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं उस स्कूल में जहाँ से मैंने अपनी 10वीं 12वीं पास करी थी। और स्कूल का गेट, और यहाँ पे जो है ये है पीपल। तो मैं इसे हमेशा पीपल मंडी कहता था जब भी मैं यहाँ से आता जाता था। तो ये पीपल का पेड़ है। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़ के ओढ़नी वादियाँ। और मैं पहुंच चुका हूं अपने स्कूल में। ये पीछे वो आपको बिल्डिंग दिख रही होगी, पर ये नई बनी है इस बार। और ये वो स्कूल है जहां से मैंने पास करी थी अपनी 12वीं। स्कूल के बच्चे दिख रहे होंगे आते हुए, और यहीं से मैंने अपनी 10वीं 12वीं की परीक्षा पास करी थी। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा ग्राउंड यहाँ पर है। ये नई बिल्डिंग बनी है इस बार। और सम पीपल्स आर कमिंग हेयर एंड हाई सी इट। खुश रहो। इसे आप जानते होंगे, काफ़ी फेमस, काफ़ी पॉपुलर ये लड़की है। ये दूध लेने जा रहे हैं अभी। स्कूल में चाय बनानी होती है। यहाँ पे लगा करता था, मतलब यहाँ पे कक्षाएं थी। और जब से एक दो साल पहले ये नया बिल्डिंग जो बन गया है, अब यहाँ पे स्कूल लगता है। मतलब सारे टीचर, सारे स्टूडेंट अब यहीं बैठते हैं पास में। और जब मैं पढ़ता था तब हम लोग तो यहीं बैठते थे। तो आपको मैं वो चीज़ दिखाऊंगा जहाँ हम पढ़ते थे और जहाँ से मैंने पास किया है। तो मैं आपको पहले वो दिखाऊंगा। सामने जो ये दिख रहा होगा, और ये जो ताईजी लोग यहाँ पे हैं वो इस स्कूल की भोजन माता हैं। और यहाँ पे MDM है हमारे स्कूल का। यहाँ पे बच्चों के लिए खाना बनता है 6 से 8 तक। और ये एक ऑफिस है MDM का। साथ ही में जो आपको यहाँ पर ये बिल्डिंग दिख रही होगी, ये 9th-10th था जब हम पढ़ते थे। ये है, यहाँ पे थी 9th class, और ये बगल में थी हमारी 10th class। तो काफ़ी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं 7th-8th। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब अपने पुराने स्कूल में आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आई होप आपको भी काफ़ी अच्छा लगता हो। 10th class और पास में है 7th, और इसी तरह से इधर पे है 8th class। हम इसे ट्रेजी कहते हैं जिधर पर मैं अभी चल रहा हूँ। और इधर पर हमने काफ़ी मस्ती करी है, काफ़ी हम घूमे हैं इधर पर। यहाँ से जो लोकेशन है वो आप देख सकते हैं, पीछे एक हिमालय है। ठीक, इधर हिमालय है दोस्तों, जो अभी शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन काफ़ी अच्छा है पूरा। वो 12 महीने वहाँ पे एकदम बर्फ़ पड़ी रहती है पूरे ऑल टाइम। और यहाँ पे स्कूल का शौचालय था, और ये आप देख सकते हैं हमारा परीक्षा कक्ष। और ये लाइब्रेरी थी हमारी, और ये स्टाफ, ये लेडीज स्टाफ रूम था।
जेरीज और एनसीसी में। तो यहीं पे हमारी काफ़ी क्लास लगी हुई है और काफ़ी वाट हमारी लगी थी यहाँ पे। ये मैंने दिखा दिया है परीक्षा रूम, और साथ में मैंने आपको दिखा दिया इधर सिक्स क्लास। तो काफ़ी पता है सरकारी स्कूल है तो थोड़ा बहुत टूटा फूटा हो सकता है, लेकिन काफ़ी अच्छा स्कूल था, काफ़ी अच्छी पढ़ाई हमारे स्कूल में थी। ये सेवन्थ रूम मतलब सेवन्थ क्लास का ये था। अंदर से दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से हमारी क्लासरूम्स थी, पर अब ये तो एकदम बंद हो चुका है। ये हमारी फिजिक्स की लैब थी और ये पूरी ट्रेजी। तो काफ़ी अच्छा लगता है मतलब अपने पुराने स्कूल में आके बहुत टाइम बाद। अभी जो मेरे पीछे ये ग्राउंड दिख रहा होगा हमारे स्कूल का ग्राउंड, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा ग्राउंड है हमारे इलाके का। और यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी रैलीज होती थी, और मतलब ब्लॉक रैली होती है, डिस्ट्रिक्ट रैली तो खैर अभी तक हुई नहीं, लेकिन ब्लॉक रैलीज यहाँ पे होती हैं। तो ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है अपने आप में, और यहाँ पे काफ़ी बच्चे अपने आर्मी की तैयारी, पुलिस फिजिकल, हर प्रकार की तैयारी इसी ग्राउंड से करते हैं। और साथ ही खेलने के लिए काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, काफ़ी सारे मैचेस होते हैं मतलब अपने पहाड़ी आईपीएल, पहाड़ी सब कुछ, पहाड़ी जितने भी क्रिकेट्स मैच होते हैं, जो भी वॉलीबॉल होता है, सब यहीं पर होता है। तो इस वक्त स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो चुकी है और सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। तो कितने सारे बच्चे हैं यहाँ स्कूल के, और ये लोग गाँव जा रहे हैं। ये टीचरों की गाड़ी भी आ चुकी है और सब लोग घर जा रहे हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, ये स्कूल वाला ब्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप नीचे जो बटन दिख रहा है उसे ज़रूर प्रेस करें सब्सक्राइब का। और साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं पर्सनली, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप हमें सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में कल सुबह 10 बजे, तब तक बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।